हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस स्टेशन। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, यह वीडियो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए है जो यूपीपी 49,568 में चयनित हुए हैं। ठीक है, इस वीडियो में हमने आपको इतनी बेहतरीन तरीके से समझाया है कि मेडिकल कैसे होता है। आप वीडियो देखेंगे, आप खुद ब खुद मेरे कहने से पहले ही आप लाइक कर देंगे। फ्रेंड्स, मेडिकल को लेकर के आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो हमने सर्च किया विकिपीडिया पे, विकिपीडिया का सहारा लिया और हमें वहाँ मिला, विकिपीडिया का जब हमने सहारा लिया तो वहाँ हमें मिला उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती संशोधन अधिनियम 2015-16। उसमें जो जो बातें मेडिकल से संबंधित लिखी हैं, आप देखेंगे आप भी कहेंगे वाह क्या वीडियो है। चलिए हम आपको दिखाते हैं समय ना खराब करते हुए। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखिए जो लिखा है, मुख्य रूप से ये उसी का कटिंग है। आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे उसका वो भी लगा हुआ है भर्ती बोर्ड का। ठीक है, तो आप इसको बेहतरीन तरीके से पढ़िए और समझिए कि उत्तर प्रदेश पुलिस में क्या क्या चीज़ें चेक होती हैं। देखिए टिप्पणी में, ठीक है, यहाँ पे एक लाइन आप देख सकते हैं ऊपर की, तो पहले आप देख सकते हैं कि किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि शारीरिक और मानसिक, यहाँ पे आप देख सकते हैं, दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा ना हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त ना हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों की दक्षता पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अंतिम रूप से अनुमोदित किए जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जाए कि वह चिकित्सा परिषद द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण करेगा, यानी कि मेडिकल जो परीक्षा आपकी होने वाली है उसे आप उत्तीर्ण करेंगे। अब बात आती है मेडिकल में होगा क्या क्या चीज़ें। देखिए बेहतरीन वीडियो है, ऑफिशियल वीडियो है, एकदम ऑफिशियल नोटिस है। देखिए क्या है, चिकित्सा बोर्ड अभ्यर्थी की यथास्थिति ऊंचाई, जो आप लोग हाइट हाइट कर रहे थे, हाइट नपेगी, बहुत लोग बोलते हैं नहीं नपेगी ना, देखिए ऊंचाई यानी हाइट और सीने की माप भी की जाएगी, साथ साथ भार, भार के माप, सीना और भार का माप के लिए विहित शारीरिक मानक परीक्षण करेगा और नोकनी नोकनी वोलेक्स फ्लैट फुट बेरिकोज बेंस दूरदृष्टि दोष निकट दृष्टि दोष कलर ब्लाइंडनेस पूर्ण और आंशिक दोनों, कलर ब्लाइंडनेस में पूर्ण और आंशिक दोनों, श्रवण परीक्षण जिसमें रिनेज परीक्षण बेबर्स परीक्षण और वर्टिगो परीक्षण और वाक दोष आदि भी समाविष्ट हैं, तथा ऐसी अन्य कमियां जैसा जैसा लिखा हुआ है फ्रेंड्स जिसे होना चाहिए, ऐसी अन्य कमियां जिसे राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित किया जाए का भी परीक्षण करेगा। आई बात समझ में? नाम से घबराइए मत, बेहतरीन तरीके से समझा रहा हूँ क्या क्या चीज होगा, इतना बेहतरीन तरीके से बताऊंगा आप समझ में आ जाएगा बिल्कुल। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबा दीजिए, जितने अभ्यर्थी देख रहे हैं तुरंत लाइक का बटन दबाइए। हम 2 घंटे मेहनत करके ये वीडियो बनाए हैं और आपसे सिर्फ 1 सेकंड का काम मांग रहे हैं, सिर्फ लाइक का बटन, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तो चलिए हम आपको अच्छे से समझाते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे हाइट की, तो कन्फर्म हो गया आपकी हाइट नापी जाएगी, सीना भी आपका चेक होगा और भार भी, आपकी वजनाई भी चेक की जाएगी। 3 बातें कंफर्म हुई। चलिए आगे दिखाते हैं आपको नोकनी, आप लोग नोकनी तो बहुत अच्छी तरीके से जान गए होंगे, इतनी वीडियो बन गई जिसका कोई जवाब नहीं, सीधे तरीके से विरामा अवस्था में आपको खड़े होना है। ठीक है, और उसे जो गांठ होती है ना पैरों की, ये आपस में टच नहीं करने चाहिए, यही होता है नोकनी। ठीक है, और उसके बाद बोलेक्स लिखा हुआ है दूसरे नंबर पे, वो लेक्स इसका क्या मतलब, जैसे कोई इंसान है ऐसे खड़ा है, इसके पैर ऐसे होने चाहिए नॉर्मली, लेकिन किसी किसी इंसान के पैर एक तो ऐसे रहता है दूसरा ऐसे रहता है टेढ़ा, मेरा कहने का मतलब टेढ़ा। ठीक है, कोई भी पैर टेढ़ा नहीं होना चाहिए, भारी मात्रा में टेढ़ा नहीं होना चाहिए, इसी को कहते हैं वो लेग्स। ठीक, अब आगे चलिए फ्लैट फुट की बात करते हैं, फ्लैट फिट लिखा हुआ है इसकी बात करते हैं, ये क्या चीज़ होता है फ्रेंड्स, ये होता है आपका जैसे आप खड़े हो जाइए विरामावस्था में, ठीक है, पैर का ऐसे सीधे नहीं होना चाहिए, पंजा जो होता है निचला हिस्सा पैर का ऐसे सीधा नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका थोड़ा सा बीच में ऐसे उठा होना चाहिए, थोड़ा सा उठा होना चाहिए ज़्यादा नहीं। ठीक, ऐसे पैर है ऐसे आपका थोड़ा सा उठा होना चाहिए अंदर की तरफ,
यहाँ थोड़ा सा गैप जगह होनी चाहिए, मेरा ये कहने का मतलब पूरा पंजे की छाप, पैर के पंजे की छाप पूरा नहीं पड़ना चाहिए ज़मीन पे। ये आपका हो गया फ्लैट फिट। अब आगे देखिए बेरिकोज लिखा हुआ, बेरिकोज बेंस, इसका क्या मतलब होता है? बेरिकोज बेंस का मतलब होता है फ्रेंड्स, कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनके पैरों, खासकर जो आपका तलवा होता है ना पैर का, वहाँ पे वहाँ की जो नसें होती हैं ना वो टेढ़ी होती हैं, टेढ़ी नसें होती हैं, और या फिर मुड़ी हुई नसें होती हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, टेढ़ी नसें नहीं होनी चाहिए, मुड़ी और उभरी हुई नसें नहीं होनी चाहिए। कुछ लोगों की नसें अस्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती हैं मोटी मोटी, पैरों के खासकर तलवे की बात की जा रही है, सभी जगह की नहीं, तलवे की, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है? इसी को बोलते हैं बेरिकोज। अब आपको आगे दिखाते हैं, आगे आप देखेंगे निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। आप कहेंगे ये कब चेक होता भैया? यही है, इसी का नाम है 6x6, 6x9, यही 6x12, यही सब होता है, ठीक है? यही सब चीज़ें हैं। 6x6 से अगर कम आपको दिखाई नहीं दे रहा, यानी कि 6x6 आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपको दूर दृष्टि दोष है। याद रखना ये आप पढ़े होंगे, दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती और निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती। तो 6x6, 6x9, ये चीज़ें जो होती हैं यही हैं आपकी निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। तो आपकी 6x6 होनी चाहिए दोनों, अगर 6x9 एक है तो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? इसके अलावा नहीं होनी चाहिए। कलर ब्लाइंडनेस की बात करते हैं, पूर्ण और आंशिक। आंशिक मतलब थोड़ा सा भी है कलर ब्लाइंडनेस तो भी प्रॉब्लम होगा, और पूर्ण तो है तो 100% है तब तो होगा ही होगा। अगर आंशिक रूप से भी कलर ब्लाइंडनेस है तो भी आपको प्रॉब्लम होगी। कलर ब्लाइंडनेस मतलब गोला होता है, उसमें ढेर सारे कलर्स होते हैं, बीच में एक अक्षर लिखा रहता है, वही अक्षर आपको पहचानना पड़ता है, या फिर स्पेशली सेपरेट होते हैं कलर, उसको भी आपको पहचानना पड़ता है। तो ये आपका कलर ब्लाइंडनेस हो गया। यहाँ पे आगे चलते हैं, अगला पॉइंट्स, पसंद आ रही हो तो लाइक, बिल्कुल बिल्कुल लाइक बनता है, आपका फर्ज है। श्रवण परीक्षण, अब आप देखेंगे कि श्रवण परीक्षण में रिनेज परीक्षण, बेबर्स परीक्षण और वर्टिगो परीक्षण और वाक दोष ये आदि समाविष्ट हैं। श्रवण परीक्षण में काफ़ी चीज़ें की गई हैं। देखिए वाक दोष की सबसे पहले बात, इन सब चीज़ों की बात करेंगे हम, ठीक है? तो वाक दोष की बात करते हैं। जैसे कई ऐसे व्यक्ति होते हैं, जनरली इसका कोई चेक नहीं होता, मैं बात क्या कहना चाहता हूँ, ये चेक नहीं होता, ये तो नॉर्मली ऊपर से ही डॉक्टर को पता लग जाता है कि नहीं है, क्या है इसके मीनिंग मैं बताता हूँ, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। वाक दोष का मतलब बोलना, बोलने में हकलाना, जैसे आप नीचे की तरफ मैं लिखा हूँ, इसको दिखा देता हूँ यहाँ पे। श्रवण परीक्षण के अंतर्गत इतना देखिए वाक, एक मिनट फ्रेंड्स, एक मिनट, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हूँ, वो दूसरा है, ये देखिए आप, ठीक है? यही जो बता रहे थे हम आपको, वाक दोष का मतलब होता है बोलना, बोलने वाला। जैसे किसी से हकलाते हैं ना कुछ लड़के, जैसे डॉक्टर ने पूछा कि आपका चयन किस में हुआ है, स्टूडेंट को बताना है सिविल या पुलिस में। अब वो हकला रहा है, बोल रहा है सिविल में उसका सिलेक्शन, वो सिविल बोलना था, वो बोल रहा है सिविल। ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मतलब समझाने का, मतलब सोच रहा हूँ अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए बोल रहा हूँ, ऐसा ना कोई बुरा ना माने, ठीक है? ऐसा होता है, ऐसे लोगों को प्रॉब्लम होती है। और वर्टिगो टेस्ट का मतलब होता है यहाँ पे वर्टिगो परीक्षण। वर्टिगो परीक्षण का मतलब कि रहस्यमयी, रहस्यमयी मतलब समझते हैं, जैसे कि हमने देखा था एक आदमी था, उसका सर जो था वो विचित्र था, बहुत बड़ा था, शरीर के हिसाब से बहुत बड़ा सर था। अब आपका सर अगर बड़ा है तो इससे प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा किसी एक हिस्से में, उसका जो सर का पीछे वाला हिस्सा था ये कुछ ज़्यादा ही लटका था, ऐसे प्रॉब्लम्स को बोला जाता है वर्टिगो परीक्षण। सॉरी फ्रेंड्स, ये सब होता रहता है, ठीक है? सर का भारी मात्रा में बड़ा होना भी ऐसा होता है, ये सब चीज़ें तो देख के पता चल जाएगा, डॉक्टर ये सब देख के कर लेगा, इसका तो चेक का कोई मतलब ही नहीं, ठीक है? और चलिए आगे दिखाते हैं इसका। देखिए बेबर्स परीक्षण और रिनेज परीक्षण हमने सर्च किया लेकिन इसका मीनिंग नहीं मिला, लेकिन जो हम आपको बता रहे हैं वही इसका राइट है। देखिए श्रवण परीक्षण के अंतर्गत आप देखेंगे कि श्रवण परीक्षण के अंतर्गत कान के पर्दे, सामने के दांत टूटे हैं, उंगलियों ज़्यादा टेढ़ी हैं, कान का कटा होना, पूरा का पूरा कान कट, कुछ लोग होते हैं ना ऐसे मिलेंगे, बहुत लोग मिलते हैं, नाक का भारी मात्रा में तिरछा होना, ये सब प्रॉब्लम जो होती हैं ये श्रवण परीक्षण के अंतर्गत आती हैं, जो आपकी चेक की जाती हैं। आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। अब आपके दिमाग में एक आ रहा होगा कि ऐसी बात है तो फिर यहाँ पर ये सब चीज़ें, ठीक है,
मतलब कि टैटू बनवाना तो प्रॉब्लम लोग वीडियो में बताते हैं, शरीर का पर बहुत बड़ा ऑपरेशन का कट हो, प्राइवेट पार्ट, ये सब चीज़ें कैसी। प्राइवेट पार्ट में खासकर बॉयज़ में हाइड्रोसील, ठीक है मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये जो PDF है ये उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती संशोधन अधिनियम 2015-16 का है। इसके बाद 2017, 2018, 2019, 2020 में कोई संशोधन नहीं हुआ है, इसलिए जो है इस दौरान यहाँ पे जो लास्ट लाइन लिखी है PDF में कि ऐसी अन्य कमियाँ जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर घोषित की जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमने दिया है PDF, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ऐसी अन्य कमियाँ जैसा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जाए। यही वही कमियाँ हैं, संशोधन नहीं हुआ है, लेकिन मेडिकल के तौर पर ये चेक की जाती हैं। कौन कौन, यहाँ पे आप देख सकते हैं, टैटू बनवाना, शरीर पर बहुत बड़े ऑपरेशन का कट, प्राइवेट पार्ट में चेक तो नहीं होता है लेकिन आशा जताई जा रही है कि इस बार हाइड्रोसील चेक की जा सकती है बॉयज़ में। बस फ्रेंड्स इतनी सी जानकारी आपको देनी थी। अगर इसके अलावा किसी को कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रकार की जानकारी लेनी हो, कमेंट्स करिए, हम आपके सवालों का जवाब वीडियो बना के देंगे, नहीं तो रिप्लाई ज़रूर कर देंगे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।